जब भी हम कोई राशन कार्ड अपने ई मित्र पे ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं तो ऑलरेडी इन प्रोसेस की जो है समस्या आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो राशन कार्ड होता है किसी दूसरे ई मित्र पर चढ़ा हुआ होता है, उसको हम अपने ई मित्रा पे जो है ऑनलाइन नहीं कर सकते। उसका में से अगर हम नाम डिलीट करना हो या फिर NOC जारी करवाने हो, कुछ इस प्रकार का जो प्रोसेस है वो हम कंप्लीट नहीं कर पाते, मतलब अपने ई मित्र में हम उसको चढ़ा नहीं पाते। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा किस प्रकार से ऑलरेडी इन प्रोसेस वाला जो राशन कार्ड है उसको हम अपने ई मित्र पर ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने ई मित्र से जो उसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मिलने वाले है। मैं डिटेल से सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है। जानकारी हर एक ई मित्र कियोस्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। तो जैसे हम ई मित्र पे लॉगिन होते हैं और यहाँ पे हम जो है फॉर्म नंबर 4 यानी कि राशन कार्ड नाम डिलीट वाले सर्विस का चयन करके किसी भी राशन कार्ड को जो हम ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने समस्या आती है। जैसे कि मैं एक राशन कार्ड को आपको यहाँ पे ऑनलाइन करके दिखाऊँ, हम सबसे पहले हम के ऑफिस का चयन करेंगे जो भी ऑफिस राशन कार्ड की लगती है। उसके बाद में यहाँ हम अगर राशन कार्ड नंबर एंटर करके और सर्च राशन कार्ड करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं ऑलरेडी इन प्रोसेस, मतलब इस राशन कार्ड को मैं इस ई मित्रा पे जो है ऑनलाइन नहीं कर सकता, यह जो राशन कार्ड है किसी अन्य ई मित्रा पे है। तो इसका जो स्टेटस है वो जानने के लिए सबसे पहले आपको फूड राज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आना है। यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि यह जो राशन कार्ड है कौन से ई मित्रा पे चढ़ा हुआ है। तो हम इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ राशन कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, राशन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस वाले इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ राशन कार्ड का चयन करेंगे, यहाँ राशन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, चेक स्टेटस पे क्लिक। अब यहाँ पे जो ये वाला राशन कार्ड है जो मेरा ऑलरेडी इन प्रोसेस यहाँ पे बता रहा है, ये वाला राशन कार्ड इस यूजर यानी कि इस ई मित्र कियोस्क के पास में जो है चढ़ा हुआ है, उसके ई मित्र पे चढ़ा हुआ है। यहाँ पे आप कियोस्क कोड चेक कर सकते हो, इसमें लास्ट में 508 है और मेरे जो कियोस्क कोड है उसमें 830 है। तो अलग जो कियोस्क कोड है उसमें ये ऑनलाइन है। अब यहाँ पे रेडी फॉर प्रिंटिंग ये जो राशन कार्ड है वो बता रहा है, लेकिन मैं इसको जो अपने ई मित्र पे ऑनलाइन नहीं कर सकता। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए आप इस ई मित्र कियोस्क से संपर्क करके भी वहाँ से इसका नाम डिलीट करवा सकते हैं और बाद में आप अपने इसमें चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई बार बहुत से ई मित्र धारकों के पास में ये समस्या आती है कि सामने वाला जो ई मित्र कियोस्क धारक है वो बंद हो जाता है या फिर माइग्रेट कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में जो है इसको हम सामने वाले के ई मित्र आईडी से डिलीट नहीं करवा सकते। तो उसको डिलीट करवाने के लिए आपको आना है, आपके वापस ई मित्रा पे आना है, बैक टू ई मित्रा करेंगे एंड यहाँ पे जो है आपको चयन करना है हेल्प एंड सपोर्ट मॉड्यूल का। उसके बाद में हेल्प एंड सपोर्ट मॉड्यूल पे आपको क्लिक करना है और अगर आप इन फॉर्म नंबर से जो आपके अपने ई मित्र पे इसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो भी ये जो है नहीं होगा। तो आपको हेल्प एंड सपोर्ट मॉड्यूल पे आना है, यहाँ पे आपको सर्विस स्पेसिफिक का चयन करना है, उसके बाद में डिपार्टमेंट का चयन करना है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल वाला। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करने वाला, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ये वाला डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई, इसको आपको चेंज करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको प्रिंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सर्विस नाम में आपको राशन कार्ड प्रिंटिंग का जो है इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में हेल्प एंड सपोर्ट में आपको टेक्निकल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में इसमें आपको जो है राशन कार्ड रिलेटेड इश्यू इसको आपको जो है सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सिलेक्ट हेल्प एंड सपोर्ट वाले में आपको फुल राशन डाटा माइग्रेशन एंड क्लोज इस वाले को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको रिमार्क देना है। तो अब यहाँ पे रिमार्क क्या देना है, तो रिमार्क में यहाँ पे जो मैंने कुछ इस प्रकार से जो ये लिख रखा है तो इसको आपको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो अपने जो है राशन कार्ड नंबर फॉर्म नंबर और कियोस्क कोड आपको इसमें चेंजेस कर लेना है। बाकी चीज़ें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने, जैसे इस ये सेम राशन कार्ड नंबर, उसके बारे में राशन कार्ड नंबर आपको देना है, फॉर्म नंबर यहाँ पे आपको आपके जो स्टेटस में आ रहे हैं वही आपको फॉर्म नंबर देना है और उसके बाद में समस्या क्या आ रही है वो आप इसमें जो है मैंशन कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको एक फाइल अपलोड करनी है। तो फाइल आप जो आपने स्टेटस चेक किया उसका यहाँ से आप कंट्रोल पी करके इसका जो है PDF में आपको उसको सेव कर लेना है और उसके बाद में इसी को जो है वहाँ पे अपलोड करना है। तो इस चीज़ को यहाँ मैं सेव करके इसको जो है डायरेक्ट यहाँ से अपलोड कर लूँगा। तो मैंने इसको सेव किया, चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे डाउनलोड से
सीधा इसी को जो है इस फाइल को इसमें अपलोड कर लेंगे। उसके बाद में सबमिट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टिकट आईडी वो जनरेट हो जाएगी, आपके एलएसपी जो क्योस्क एलएसपी उसके पास में ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो आप अगर पर्सनली भी उसको ये टिकट आईडी और राशन कार्ड नंबर भेज के संपर्क करना चाहते हो तो कर सकते हो, एलएसपी जो है इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा जितनी जल्दी हो सके। तो आपको इसका स्टेटस चेक करना है या फिर आप एलएसपी से संपर्क करके इसको जो है वेरीफाई करवा सकते हो और आगे इसको जो भेज सकते हो। तो यहाँ पे आपके इस प्रकार से जो स्टेटस होगा अगर आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी तब तो जल्दी आपके राशन कार्ड प्रिंटिंग वाला जो इश्यू है वो समाप्त हो जाएगा और आप इस राशन कार्ड को अपने जो ई मित्र पे है वो चढ़ा सकते हो। इसका जो प्रिंटिंग वगैरह या फिर आप नाम डिलीट करना है तो वो जो सारे सर्विस आप अपने राशन कार्ड पर यूज कर सकते हो। इस राशन कार्ड को सारे क्योस्क पर इनेबल कर दिया जाए, आप किसी भी ई मित्र पे जो है इसको नाम डिलीट करवा सकते हो, इसका जो प्रिंटिंग निकलवा सकते हो। तो इस प्रकार से आप ऑलरेडी इन प्रोसेस राशन कार्ड वाली जो समस्या है उसका सॉल्यूशन कर सकते हो ई मित्र क्योस्क बंद होने के बाद में या फिर माइग्रेट होने के बाद में। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आए। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी जानने को मिला तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे जल्दी ऐसे और भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।